सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त संजय कुमार और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने जनपद के आला अधिकारियों से वार्ता कर जनपद की स्थिति का जायजा लिया। जनपद के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद कश्मीर और डीआईजी ने जिला कलेक्ट्रेट में स्थित कोविड-19 के कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। जनपद के आला अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण कर कमिश्नर और डीआईजी पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। इस दौरान जनपद की जिला अधिकारी सेलवा कुमारी जे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार यादव, अपर जिला अधिकारी प्रशासन अमित सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार चोपड़ा, पुलिस अधीक्षक नगर सतपाल सिंह आदि लोग मौजूद थे। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले हम और डीआईजी साहब, डीएम साहब, सीएमओ और सीडीओ और सभी एसएसपी साहब सभी के साथ बैठ के हम लोगों ने इनकी अब तक क्या उपलब्धि रही है और आगे क्या चैलेंजेस हैं मुजफ्फरनगर जनपद के लिए, उसके बारे में चर्चा की। और मुझे खुशी है कि इधर मुजफ्फरनगर में पिछले 8 दिन में पॉजिटिव केसेस जो आने का जो सिलसिला जो शुरू हुआ था उसमें वो लगभग 0 के बराबर हो गया है। अभी दो चैलेंजेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि जो सैंपल्स हमारे टेस्ट होने गए हैं, जो हमारे कोविड-11 हॉस्पिटल में जो लोग जिनका इलाज हो रहा था वो लगभग उनका इलाज पूरा हो गया है, तो उनके टेस्ट रिपोर्ट्स प्रायोरिटी पे आ जाएं। पूरे मुजफ्फरनगर जनपद में 164 ऐसे सैंपल हैं जो अभी मेरिट मेडिकल कॉलेज में पेंडिंग है। इस संबंध में प्रिंसिपल से और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से, कमिश्नर मेरिट मैडम से भी रिक्वेस्ट किया है मैंने कि उसको प्राथमिकता पे जल्दी से टेकअप करें और रिजल्ट्स भेजा जाए। सर, हम लोग ने ये भी निर्णय लिया है कि जनपद में प्रत्येक दिन 100 सैंपल मिनिमम लिए जाता रहेगा। और ये हॉटस्पॉट एरिया, हॉटस्पॉट के पास में जो बफर एरिया है, जो विभिन्न हॉटस्पॉट्स में जो पुलिसकर्मी हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो वेंडर्स हैं, जो दूध सप्लायर हैं, हर तरह के जो ऐसे टारगेट ग्रुप्स हैं जिनके हम सैंपल्स लेंगे। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से जिला प्रशासन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम कर रहा है, अगले 10 से 15 दिन के अंदर अगर नए पॉजिटिव केसेस अगर नहीं आए तो हम मुजफ्फरनगर जनपद सफलतापूर्वक 0 केसेस अचीव करने में सफल रहे। सर, लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, तो क्या क्या सुविधाएं दी गई है, क्या क्या छूट दी गई है रेड जोन में भी मुजफ्फरनगर? देखिए, रेड जोन के लिए मानक जो है शासनादेश चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्पष्ट जारी कर दिया है। रेड जोन में बहुत ज़्यादा ढील देने की गुंजाइश नहीं है और उसी के तहत डीएम साहिबा ने भी एक डिटेल ऑर्डर जारी किया है कि कौन कौन सी दुकानें अलाउ होंगी। जैसे रूरल एरियाज़ में मनरेगा के कार्यों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। रूरल एरियाज़ में जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे कि परचून की दुकान है, जैसे कि लोहे लकड़ की दुकान है, ईंट गारे की दुकान है, जिससे कि थोड़ा बहुत जो दिनचर्या लोगों का जो बिज़नेस छोटा मोटा जो करते हैं लोग, वो काम शुरू हो सकता है। हॉटस्पॉट एरिया और हॉटस्पॉट के आसपास जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होगा। जहाँ तक एक्साइज की दुकानें हैं उसके बारे में भी निर्णय ले लिया गया है कि एक्साइज की वही दुकानें हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में अलाउ नहीं होगा और शेष क्षेत्र में चालू होगा, परंतु उसमें भी शर्तें हैं और शर्तों का भी विवरण हर दुकान के सामने लिखा जाएगा कि मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करना। एक लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस